बिना नोटिस आए हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से, तक पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, अपनी मांग को पूरी करवा कर जाएंगे। हम लोग कुछ नहीं होगा, हम लोग जाने वाले नहीं है, यही रहेंगे, रात भर यही रहेंगे। लेकिन रात भर यही पे खड़े, हाँ यही रहेंगे, जाइएगा नहीं, नहीं जाएंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा नहीं जाएंगे। एक फायरिंग हो जाए, एक फायरिंग हो जाए, मुख्यमंत्री संकट में, मुख्यमंत्री संकट में, अभी बच्चा लोग संकट में नहीं है, सुबह से खाली पेट में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाली पेट में है। अरे वाह, कहाँ है सरकार यहाँ की? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपको बता दें कि देखिए NCL और EWS को लेकर जो अभ्यर्थी है वो सुबह से सड़क पर बैठे हुए, अब देखिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं उग्र हो गए। देखिए गेट को बंद कर दिया गया है, हालांकि पुलिस भी तैनात है, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी है वो देखिए अब उग्र होते जा रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी है वो देखिए हम लोग से बातचीत करेंगे, क्या हुआ अब देखते हैं क्या होता है। अभी जब तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, चाहे रात के एक कहे ने बज जा दू, हम लोग रात में 3 बजे 4 बजे तक जग के पढ़ सकते हैं ना। देखिए तो किस तरीके से लाइट जलाकर विरोध कर रहे हैं, देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए बैठ चुके सर सर वही ना बोला जा रहा है कि कोई कह जाता है आधा घंटा में करा देंगे तो कोई कहता है 15 मिनट में। हकीकत तो आप जानते हैं कि लंबा लड़ाई है और लड़के परेशान है, वही लड़ रहे हैं, तो इनका हक कम से कम दे देना चाहिए। बिना गलती के सजा मिल रहा है, ऐसा सजा नहीं मिलना चाहिए। देखिए आपको हमें तस्वीर दिखाएंगे, देखिए सभी लोग NCL और EWS के, देखिए तमाम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। देखिए सुबह से ही तमाम जो अभ्यर्थी है वो देखिए सड़क पर बैठे हुए थे और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उग्र होते जा रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। अब क्या हुआ, आपका क्यों बैठे, अंधेरा हो गया? लेके बिना नोटिस आए हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से, बिना नोटिस लिए नहीं हिलेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, अपनी मांग को पूरी करवा कर जाएंगे। हम लोग ऐसे कैसे जाइएगा, गेट को बंद कर दिया गया है, पुलिस भी खड़ी है, खड़ा रहेंगे कब तक रहेगी पुलिस? अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम सब अपना अधिकार लेके रहेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, नहीं झुकेंगे, नहीं हिलेंगे। और CSPC से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो पूरा नजारा वो देखिए किस तरीके से, देखिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो देखिए सड़क पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है और वो देखिए उग्र होने लगे हैं। देखिए दूसरी तरफ पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। और देखिए रात के अंधेरे में जो लड़की है, जो लड़के हैं वो देखिए, जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है जब तक हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी, नोटिस नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा ना, तब तक बैठे रहेंगे। लाइब्रेरी में 2 बजे 3 बजे रात तक जग के पढ़ सकते हैं ना, तो हम लोग 2 बजे 3 बजे रात तक यहीं रहेंगे। जब तक मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। सुबह से भूखे प्यासे हैं, पैर काम नहीं करता है, फिर भी हम लोग आंदोलन में है, लेकिन सरकार का कान पे अभी तक जू नहीं रहेगा। हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। जब नोटिस जारी होगा तभी यहाँ से हटिएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक यहीं बैठे यहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए यहीं रहेंगे। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो देखिए अब उग्र होने लगे हैं। देखिए सुबह से ही तमाम जो अभ्यर्थी थे वो देखिए NCL और EWS को लेकर सड़क पर बैठे बैठे रहिएगा आप लोग। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक यहीं रहेंगे हम लोग रात भर। ठंड भी काफी ज्यादा है, कोई बात नहीं सर, लेकिन जिंदगी का सवाल है। देखिए जो पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, देखिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पुलिस की गाड़ी है और देखिए पुलिस की गाड़ी को भी तमाम अभ्यर्थियों ने घेर लिया है। देखिए आपको हम सीधा जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी में जो अधिकारी है वो मौजूद है और देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा जो अधिकारी की गाड़ी है उसको भी घेर लिया गया। देखिए और भी तमाम जो अभ्यर्थी, नीतीश चाचा हम यही बोलेंगे, पलटू चाचा आप पलट जाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतना पलट गए हैं तो थोड़ा सा नोटिस पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? पलटा दीजिए बस, थोड़ा सा नोटिस पलटा दीजिए। इसको समझ में नहीं, नीतीश कुमार के समझ में ना आ रहा है कुछ, इतना मर रहा, रात भी हो गया, सुबह से आए भूखल प्यासल अभी हैं, अभी 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 एक तो फायरिंग हो जाए, अभी एक फायरिंग हो जाए तो पूरा पटना संकट में है। अभी नहीं दिख रहा है सुबह से पूरा, अभी कोई संकट में नहीं है पटना, खाली फायरिंग हो जाए बस, एक फायरिंग हो जाए, एक
फायरिंग हो जाए। मुख्यमंत्री संकट में, मुख्यमंत्री संकट में, अभी बच्चा लोग संकट में नहीं है। सुबह से खाली पेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाली पेट में है। अरे वाह, कहाँ है सरकार यहाँ के? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं भैया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लड़की मेरिट से आई है, हम लोग मेरिट से आए हैं। पहले धांधली चलता था तब बहुत मजा से, अभी कुछ नहीं। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक पूरी रात, पूरी रात, पूरी रात रहेंगे, पूरी रात। हाँ, जब तक मांग पूरा ना हो, पूरी रात रहेंगे। और भी लड़की लोग भी, हम लोग से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आइए आप लोग? थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा। कहाँ से आइए आप लोग? कहाँ से? 50 किलोमीटर दूर से आए, बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आई है, अंधेरा भी हो गया, ठंड भी है, कैसे आप लोग जाइएगा? तो क्या करें सर, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग जाने वाले नहीं है, यही रहेंगे, रात भर यही रहेंगे। लेकिन रात भर यहीं पे खड़े? हाँ, यही रहेंगे। जाइएगा नहीं? नहीं जाएंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा नहीं जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम लोग को छाड़ दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है आप ही बताइए? गेट को लॉक कर दिया गया है, पुलिस भी तैनात है। तैनात है तो है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब डर नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं। हम लोग से सरकार है, सरकार से हम लोग नहीं है। जब तक नोटिस जारी नहीं होगा तो यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहीं पर रहेंगे। घर के लोग सब पूछेंगे भी कि रात हो गया, पिटिया है कहाँ? पूछने दीजिए सर, उन लोग का पूछना काम है, लेकिन हम लोग का सबसे भी जरूरी ये काम है, तो हम लोग अपना ये काम कर ही के जाएंगे। कहाँ से आप लोग? कहाँ से? मुजफ्फरपुर से आए हैं। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। रात का अंधेरा हो गया, ठंड भी काफी ज्यादा है, कैसे आप लोग इतना रात को यहीं पर हैं आप लोग? जब तक नोटिस नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर रहेंगे, ठंडे में रहेंगे। यहीं पर रहिएगा, ठंडे में रहेंगे। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा। देखिए तब, देखिए तमाम जो लड़कियां हैं वो देखिए कहीं ना कहीं देखिए बैठी हुई है। लगातार जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो देखिए इनको समझाने की कोशिश कर रही है। गेट को भी लॉक कर दिया गया है, लेकिन देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए मानने को तैयार नहीं। इनका साफ साफ कहना है कि आयोग को हम लोगों का बात मानना ही होगा, जब तक नोटिस जारी नहीं होगा, जब तक NCL EWS करंट का लागू नहीं होगा, जब तक नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों से तक मेरे साथ जुड़े रहे।